हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एफिस चिनोपॉडी, जो इंसेक्ट ग्रुप की मेडिसिंस हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट में ही पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि उसके इंसेक्ट ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स। देन आज एफिस चिनोपॉडी करेंगे। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है फॉर कॉलिक एंड फॉर टूथ हैक। सैड एकिंग और एग्रीवेशन होगा फ्रॉम मोशन से। ब्रेन सीम्स स्वैस हाइदर एंड थिदर। टीनिटस में बहुत ही बेस्ट एक्शन है एफिस का। एंड टूथ एक रिलीव बाय जनरल वॉर्म स्वैट से। पेन एक्सटेंड टू ईयर टेम्पल एंड जो जो उसका दर्द होगा वो स्टार्ट होगा हेड से या बैक ऑफ ईयर से। ईयर से स्टार्ट होगा, टेम्पल तक जाएगा एंड देन जॉ तक उसका पेन जाएगा। उसको पेशेंट को भूख कम लगेगी फॉर मीट एंड ब्रेड। वेसाइकल्स एट द एंड ऑफ टंग एंड मच म्यूकस। बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूस सलाइवेशन हो सकता है। स्टूल जो होगा हार्ड नॉटी स्टूल होगा। बर्निंग होगा इन एनस में। बहुत ज़्यादा ग्रेट पेनफुल और ग्रेट स्टैंडिंग होंगे। और डायरिया अगर होगा तो इन मॉर्निंग में हो सकता है। बैक एक सीवियर पेन इन बैक रीजन। लोअर एंगल ऑफ द लेफ्ट शोल्डर ब्लेड रनिंग टू चेस्ट। चेस्ट तक उसका पेन रिफर होगा, रेडिएट होगा। फीवर में बर्निंग होगा पाम पे। बहुत ज़्यादा हॉट स्वेट होगा इन और उसके बाद ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी ड्यूरिंग फीवर में। लिप्स ड्राई हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी में देखा जाए तो बर्निंग और इरिटेशन होगा इन लैरिंग्स में। आफ्टर ईटिंग ऑफ कोल्ड फूड या आइसक्रीम है तो बर्निंग एंड इरिटेशन होगा। थर्स्टी फ्रिक्वेंट थर्स्ट होगी इंक्रीज एट नाइट में। बार बार रात में थर्स्ट प्यास लगेगी। तो सबसे बेस्ट रेमेडी होगी फॉर कॉलिक के लिए एफिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you so much for watching my video.